हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफिया आर्ट्स। आज मैं आपको ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन ड्रॉ करके बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पेपर पर ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, उसके जस्ट ऊपर एक छोटी सी पत्ती फ्लावर की, फिर जस्ट नीचे, फिर दोनों साइड पर, फिर दोनों छोटी पत्तियों के बीच में एक एक पत्ती बनाएंगे। टोटल 8 पत्ती, फिर दो पत्ती के बीच में इस तरह से शेप बनाएंगे। आप गौर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर हम फ्लावर की चारों तरफ डैश डैश देकर सर्कल बनाएंगे इस तरह से। जहाँ पे सर्कल एंड हो रहा है वहाँ से थोड़ी सी तिरछी लाइन देंगे और उसी तरह से इस पहली सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बनाएंगे इस तरह से। आप ध्यान से देखिएगा, जस्ट उसके ऊपर थोड़ी सी गैप लेते हुए एक और सर्कल बनाएंगे। फिर इसी तरह से हम एक और सर्कल बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। फिर आधे पर लाकर छोड़ देनी है, फिर हमें यहाँ से वाई शेप की तरह ऊपर ले जानी है। देखिए ये वाई शेप बन गई है, फिर इन दोनों को इस तरह से मिलानी है। फिर यहाँ पे गैप है, यहाँ पे हम छोटी छोटी पत्ती डालेंगे। इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ बनाएंगे दोनों साइड। इस डिज़ाइन का यूज़ आप लिक्विड एम्ब्रॉयडरी बनाने में कर सकते हैं, धागों से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दो पत्ती बना रही हूँ, यहाँ पे दो दो एक एक लाइन दे रही हूँ, और यहाँ पर कोई फ्लावर्स का शेप बना रही हूँ। आप इस डिज़ाइन के अलावा कुछ और शेप बना सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं एक फ्लावर की तरह कुछ शेप बना रही हूँ। आप यहाँ पर कोई इजी शेप भी बना सकते हैं। अब ये जो सर्कल है इसमें चारों तरफ से ये इस तरह की छोटी छोटी पत्ती बनानी है। ये पत्ती पूरे एंड तक बनेगी। इसी तरह से पूरी पत्ती बनानी है। इस डिज़ाइन का यूज़ आप दुपट्टे पर, सूट पर, ब्लाउज पर, साड़ी पर डिज़ाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। आप रेशम के धागों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जरी के धागों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3D आउटलाइनर से बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगेगी बनने के बाद। अब यहाँ पे जो गैप है सर्कल के बीच में, वहाँ पर हम दिल शेप की जैसा पत्ती बनाएंगे इस तरह से। मैंने दो पत्तियों को एक साथ बनाया है, इसलिए ये दिल शेप लग रहा है। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी बना सकते हैं।
इसी तरह से पूरे सर्कल के अंदर इस तरह की शेप बना लें। ऑलमोस्ट हमारी ये डिज़ाइन बनकर रेडी होने ही वाली है। आप भी घर पर इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बना पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। आई होप मेरी ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगेगी। अब मैं एक और डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से एक सर्कल बनाकर एक लंबी सी पत्ती चारों तरफ बनानी है। और दोनों पत्ती के बीच में एक एक पत्ती और डालनी है। इसी तरह से आप ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ये देखिए हमारी दोनों डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। आई होप मेरी ये डिज़ाइंस आपको अच्छी लगी होंगी। मैं इसी तरह से नई नई डिज़ाइंस लेकर आती रहती हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।